नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अगर बेतुके बयान बहादुरों की लिस्ट बनाई जाए तो भारत और पाकिस्तान में कौन जीतेगा? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो जनाब, जिस तरह भारतीय बयान बहादुर हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी काफी बयान बहादुर हैं, जो अपने बयानों से पाकिस्तान के साथ ही साथ अपनी खूब जगहसाई कराते हैं। अब शेख राशिद को ही ले लीजिए, जब भी मुंह खोलते हैं तब जग हंसाई कराते हैं। इसी तरह एक और बयान बहादुर हैं, जिनका नाम है फवाद चौधरी। ये जनाब तो मुंह खोलते ही पाकिस्तान की बेइज्जती ही करवा देते हैं। इसी कड़ी में अब एक नया मामला जुड़ा है। आपको तो मालूम होगा कि दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा है और सरकार से लेकर आम लोग भी इस समस्या से परेशान हैं, और लोगों का मानना है कि ये सब किसानों के पराली जलाने की वजह से हो रहा है और सरकार इस मुद्दे पर कई उपाय भी कर रही है, लेकिन सरकार जो भी उपाय कर रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी बीच प्रदूषण का मुद्दा पाकिस्तान भी पहुंच गया और इस समस्या से कराची के लोग भी काफी परेशान हैं और वहां पर भी प्रदूषण मुद्दा बन गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाक नेता कह रहे हैं कि यह समस्या भारत की देन है और भारत की वजह से पाकिस्तान में प्रदूषण बढ़ा है। इमरान सरकार में जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जरताज गुलवजीर ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक तस्वीर ट्वीट कर कहा है कि भारत में पराली के जलने की वजह से कराची में परेशानी बढ़ी है और लोग प्रदूषण से परेशान हुए हैं। फिर क्या था, लोगों ने इस ट्वीट के बाद काफी सवाल पूछे। ठीक उसी तरह बीजेपी के लीडर विनीत शारदा ने भी भारत में बढ़ते प्रदूषण के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत, दोनों देशों के किसान इस समय रवि की बुआई के लिए जल्दी जल्दी खेत को साफ करने के चक्कर में खेतों में आग लगा देते हैं कि जल्दी खेत साफ हो जाए और वो जल्दी से गेहूं की बुआई कर सकें, लेकिन इसी चक्कर में प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान पंजाब प्रांत और भारत के हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़े पैमाने पर किसान पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो जाती है और लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं भारतीय सीमा से सटे कराची मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ऐसे में पराली का धुआं आसानी से कराची पहुंच रहा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। वहीं पंजाब हरियाणा सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने किसानों को जागरूक करने और पराली नहीं जलाने के लिए बोला है, लेकिन किसान कहां मानने वाले हैं। और यही कारण है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का कराची भी इसकी जद में आ गया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप नेताओं का जारी है। भारतीयों की माने तो पाकिस्तान की वजह से परेशानी बढ़ी है और पाकिस्तानी नेताओं की माने तो भारत की वजह से परेशानी बढ़ी है, लेकिन दोनों तरफ के नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सरकार के फेलियर होने की वजह से परेशानी है और जनता जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। लेकिन दोनों तरफ के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है और कौन बीमार पड़ रहा है, बस इनकी नेतागिरी जारी रहनी चाहिए और वो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं।